हाँ जी दोस्तों, तो क्या हालचाल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ब्लॉग काफ़ी लंबे समय बाद आ रहा है और पीछे आप देख रहे होंगे अभी मैं घर से निकल के मंदिर के पास पहुंचा हूं। तो थोड़ी देर अभी रेस्ट करने के लिए रुका था मैं यहां पे, क्योंकि चढ़ाई पे एकदम से थोड़ा फास्ट चल के आना तो सांसें मतलब बिल्कुल फूल सी जाती हैं, और ब्लॉग में तो बोला भी नहीं जाता है, वैसे भी नहीं बोला जाता है। चढ़ाई चढ़ के आना सुबह सुबह, और चढ़ाई पता नहीं कब तक चढ़नी पड़ेगी हमें, लेकिन कोई बात नहीं है। और ब्लॉग जो है वो मेरे इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि वैसे ब्लॉग मैंने शूट किया हुआ था, बताया भी था मैंने शायद लास्ट जब मेरा ब्लॉग आया तो उसमें बताया था कि शादी वाला ब्लॉग जो है वो अपलोड करूँगा मैं अब नेक्स्ट, लेकिन हुआ ये था। वैसे मैंने शादी का ब्लॉग भी गाँव में, हमारे 9-10 दिसंबर को जो था शादी थी गाँव की, गाँव में किसी की, तो वो ब्लॉग जो है मैंने शूट किया हुआ था। एक्चुअली उस ब्लॉग को मैं आधा ही शूट कर पाया था और उसके बाद अभी तक जो है वो कुछ लाइफ में सेटलमेंट जो वो कुछ ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए जो ब्लॉग भी आधा ही शूट किया था। और अभी काफ़ी टाइम बाद जो है मैं ब्लॉग जो है वो ये शूट कर रहा हूँ वो, और शादी वाला जो ब्लॉग था वो आधा इसलिए शूट किया ये क्योंकि जब शादी थी, शादी तो बढ़िया हो ही गई थी, लगभग हम गए हुए थे मतलब डोली लेके जा रहे थे, मतलब पहुंच भी गए थे वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़की की शादी थी तो हमें बारात आई हुई थी उस टाइम, और दिन की शादी थी तो बारात के साथ हम वापस चले गए थे डोली लेके, वहाँ पे पहुंच भी गए थे। तो वहाँ पे रात को थोड़ा पता चला कि गांव में हमारे किसी की डेथ हो गई है, तो हमें भी वहाँ से वापस आना पड़ा रात को ही। हम आ गए वापस और कुछ लोग आ गए, कुछ लोग वहीं रुके थे। और बाकी दोस्तों, जो शादी वाले ब्लॉग की कुछ क्लिप्स थी वो मैं इसी ब्लॉग में जो वो आगे कंटिन्यू करूँगा, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी दोस्तों, कुछ दिनों से क्या मतलब हमारी गाय ने बच्चा दिया हुआ था तो काफ़ी दिनों से उसकी भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, बच्चा भी अब ऐसे ही, उसको भी दूध वगैरह पिलाना जो मुश्किल हो जा रहा है। एक्चुअली जब उसने बच्चा दिया था तो उसके 7-8 दिन के बाद जो वो गाय हमारी बैठ गई है, तो उसकी हालत अभी बहुत ख़राब है। काफ़ी हमने इलाज भी करवा लिया है, डॉक्टर का भी इलाज काफ़ी करवा लिया हमने, उसको इंजेक्शन दवाइयाँ ये वो कैल्शियम वगैरह सब कुछ जो वो ट्राई कर लिया है, अभी भी चल रहा है इलाज तो चल ही रहा है, दवाइयाँ वगैरह चली रही हैं, लेकिन जो गाय बैठ गई हुई है उठने का जो वो नाम बिल्कुल नहीं ले रही है, तो बिल्कुल भी जो वो उठ नहीं पा रही है। तो ऐसे में आपको पता ही है यार, बच्चा उसने दिया है तो उसको दूध वगैरह पिलाना, उसको उसने दूध बड़ी मुश्किल से जो वो पी रही है दूध भी जो उसने बच्चा दिया हुआ है, ऐसे में मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, जब से गाय बैठी हुई है उसकी तबीयत जो है वो और भी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि एक साइड मतलब आप कितनी देर बैठ सकते हो यार, है ना, एक साइड बैठ बैठ के मतलब तो उसको मतलब होता ही ना, पीक वगैरह जो है वो पड़ने शुरू हो गई है। वैसे तो हम उसका देखते रहते हैं प्रॉपर, उसको कभी थोड़ी देर के लिए एक साइड के लिए बिठाते हैं, थोड़ी देर दूसरी साइड जो है उसको कर देते हैं, उसकी साइड बदलते रहते हैं, लेकिन उसको पीक जो है वह पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि उसको बैठे हुए लगभग आज हो गए हैं 23-24 दिन आज होने वाले हैं उसको बैठे हुए। तो ऐसे में हालत जो उसकी ख़राब होती जा रही है, हमने भी हम अपनी साइड से पूरा प्रॉपर 100% करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो अभी वो उठी नहीं है, उठ नहीं पा रही है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल जो है वो हो रही है, क्योंकि बच्चे को भी दूध पिलाना जो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अब बाकी कर भी कह सकते हैं प्रॉपर, अभी सेवा ही चल रही है उसकी, दवाइयाँ वगैरह चल रही है, अभी कैल्शियम वगैरह सब कुछ चल रहा है उसके लिए, डॉक्टर भी 2-3 बार आए थे बीच में लेकिन उनसे भी कुछ हुआ नहीं है अभी तक। बाकी कुछ दिनों से मम्मी की भी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, बीच में डॉक्टर के पास भी जाते रहते हैं, लेकिन अभी भी जब मम्मी को ना सर दर्द होती है तो मतलब इतनी ख़तरनाक सर दर्द होती कि मतलब दवाइयां आप जितनी मर्ज़ी खिला दो, जितनी मर्ज़ी दवाइयां खिला दो डॉक्टर के पास जाके भी, घर में भी, बिल्कुल सर में जो दर्द है उसको फ़र्क जो बिल्कुल भी नहीं पड़ता। जो सर की दर्द है वो अपना टाइम 3-4 दिन जो है वो लेके ही थोड़ा बहुत जो वो हटती है, दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर में जब दर्द लगती है मम्मी के, तो वैसे ही मतलब दर्द भी इतनी ख़तरनाक लगती है कि क्या ही बोले यार दोस्तों, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चल ही रहा है, दवाइयां वगैरह तो सब चल रही है प्रॉपर, लेकिन दर्द जो है वो अपना सर का दर्द जो मम्मी का वो 3 से 4 दिन जो है वो लेता ही है, लेकिन दर्द बड़ी भयानक वाली होती है। तो ऐसे था कुछ चल रहा हुआ, इसीलिए जो ब्लॉग भी जो है वो काफ़ी दिनों बाद
तो हाँ जी दोस्तों, अभी शाम के बजने को आए हैं लगभग 5 और घर से जो है वो बारात निकल चुकी है और सब लोग अभी पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी ये जो है दुल्हन का डोली और सब लोग उठाए हुए हैं पीछे अपने पप्पू भाई, बुरे हाल से होम में लग रहे हैं, और अपने सारे भाई। तो ये कुछ क्लिप्स थे पुराने मेरे पास पड़े हुए शादी वाले ब्लॉग के, ये भी आपने देख लिए, ये जो पीछे आपने देखे अभी। और बाकी पिछले कल 2 दिन मौसम ख़राब था और पीछे आप देख सकते हो मौसम ख़राब होने का क्या कारण है, कारण तो नहीं बोल सकते हैं। पहाड़ों पे अभी देख सकते हो आप बिल्कुल ब्यूटी, बर्फ़ जो है वो गिर चुकी है, इस साल की पहली बर्फ़ है। और पता नहीं, हमने सोचा था कि शायद 2 दिन मौसम ख़राब था तो बर्फ़ इस बार जो है वो गिरी जाएगी, लेकिन फिर मौसम जो आज बिल्कुल ख़तरनाक धूप लग रही है। और अभी बस मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूं नड्डी में। और बाकी दोस्तों, ये है इस साल का लास्ट ब्लॉग। आपको पता है नया साल आने वाला है, लेकिन ये सिर्फ इस साल का लास्ट ब्लॉग है। आने वाले नए साल में जो है वो ब्लॉग्स जो वो कंटिन्यू आते रहेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चैनल पे बने रहना है बस। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी ये ब्लॉग इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। और बाकी हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, आने वाला जो साल है ये आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियों से भरा हो, ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर।